नमस्कार ग्राम विकास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मित्रों जो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी हनुमान सिंह जी से कि सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद तैयार करने के लिए खेड़ी बनाने की मतलब खेड़ी मतलब एक चार दीवारी बना करके उसके अंदर और खाद तैयार की जा सकती है हिंदी में यदि अपन उसको ठीक से समझें तो वो खेड़ी बनाने की भी एक सरकार की योजना है तो वो योजना क्या है और उससे खेड़ी से क्या लाभ है और उसमें खाद तैयार कैसे करते हैं और हमें उसकी सरकार की ओर से कितनी सहायता मिलती है ये हम जानेंगे हनुमान सिंह जी से नमस्कार एक बार, बार पुनः आपका इस ग्राम विकास के चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन पिछले वीडियो में आपने जो चर्चा की थी खेड़ी बनाने का जो हमारा सिस्टम है सरकार उसके लिए अनुदान देती है तो जो खेड़ी ये हमें दिखाई दे रही यही खेड़ी इसकी चर्चा कर रहे थे ये बेड है तीन बाई का अच्छा डेढ़ फुट गहरा तीन बाई सात तीन फीट चौड़ा है और सात फीट लंबाई लंबा है है अच्छा। गेरा डेढ़ फीट गहरा है इसमें अच्छा। गाय भैंस की कच्ची गोबर होती है उसमें डालते है इसमें डाल दिया और भी कोई पत्ते हैं पेड़ पौधों अच्छा। के अच्छा। नीम है कोई भी उसमें डाल दो और इसमें होते हैं अच्छा होते हैं वो जानवर होते हैं रात भर में ढाई सौ अंडे देते हैं अच्छा वो उसमें डाल दिया आधा किलो बेसन और आधा के जी गुड़ आधा किलो बेसन और आधा किलो गुड़ गुड़ उसका उसका बनाकर बना अच्छा, अच्छा, कम, अच्छा, उस खेत खाद को पर खेत में डालते हैं उसे दीमक नहीं लगती है दिमक नहीं लगती दिमक लगने की समस्या खूब सारे किसानों को होती है तो वो समस्या से उस समस्या से यदि समाधान करना है उससे निजात पाना है तो ये खाद यदि डालते हैं तो उससे आप दिमाग नहीं लगती है अच्छा और कच्ची गोबर खाद से दिमाग लगती है है तो ये वर्मी बन जाता जो सामान्य रूप से कच्ची खाद होती है यानी गोबर की अपन सीधी वो गाय की हो भैंस के गोबर की हो वो यदि डालते हैं तो दिमाग लगने की एक समस्या रहती है हाँ। लेकिन यदि ये, ये तैयार करके कैच से जो बन करके खाद तैयार होती है वो यदि अपन डालते हैं तो उसका दिमाग नहीं दिमग नहीं लगती है और ये मतलब कितने दिनों में तैयार हो जाती है या इसके अंदर क्या क्या मतलब डालना पड़ेगा पहले तैयार हो जाती है और वैसे अपन यहाँ जैसे इस इस गड्ढे को बनाना चाहते हैं अच्छा तो ये भी साइंजदार जगह होनी चाहिए और इसमें भी खड्ढा करके और वो जानवर अपन डाल सकते हैं कैं चुए हुए और गीला कर दो ऊपर से अच्छा मतलब ये बनाया हुआ नहीं हो मान लीजिए हाँ। किसी को अभी सरकार द्वारा जब मिलेगी तब मिलेगी लेकिन यदि घर पर भी कोई तैयार करना चाहे और बिना कोई सरकारी सहायता के करना हाँ। चाहे खुद की क्योंकि सरकारी सहायता तो मित्रों मिलेगी तब मिलेगी लेकिन अपने खाद की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है हर साल रहती हाँ। है तो हर फसल में रहती है तो अपने सामान्य रूप से गड्ढा खोद लिया जाए गड्ढा गोदे से अपने खाद डालते हैं उसको अंदर में एक डेढ़ के आते हैं अच्छा वो उसमें डाल देते हैं ऊपर से ढक दो बोरी, अच्छा। टार से। यानि बोरी टार से यानी उसके ऊपर छाया रखनी छाया रखनी पड़ेगी बोरी टार से ढक दिया उस गीला करते रहो हर सात दिन में वो okay, कैसे इस पूरे कोई गोबर को अच्छा बना, देगा। बना, देगा, बना देंगे खाद बना देंगे तैयार ये मतलब कितने महीने में बन करके तैयार हो जाती है कितने दिनों में तैयार हो जाती है तीस से बत्तीस पैंतीस दिन के अंदर खाद बन जाता है अच्छा तीस से पैंतीस दिनों में मतलब आज यदि अपन इसको करते हैं हाँ। तो आज के तीस दिन बाद में तैयार है जाएगा खाद तैयार हो जाती है तो मित्रों अभी आने वाले समय में यानी जो वर्षा काल आ रहा है और उसमें अपन खेती करेंगे सामान्य रूप से यदि कोई बगीचा लगाते हैं या कोई भी खेती करते हैं तो उसके अंदर यदि आपको खाद चाहिए तो आज ही आप इस खाद को बना सकते हैं तो वो से मिलते हैं जो आपने के नागौर कैंच कहा मिलता थे और वैसे यहाँ अपने नागौर डे रोड पे है अच्छा एक सत्येंद्र जैन जैन हाँ वो काम का अपने पूरे नागौर राजस्थान में करता कथा अच्छा सत्येन्द्र जैन नागौर में उनके नंबर वगैरह तो मिल जाएंगे अच्छा तो नंबर नीचे विवरण में आपको नंबर भी दे देंगे नागौर में यानी राजस्थान के नागौर जिले में नागौर हेडक्वार्टर पर ही आपको सत्येंद्र जी जैन उपलब्ध करवाते हैं उनसे आप फोन से भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे पता भी कर सकते हैं या अन्य आप जगह पता करेंगे तो कैं सामान्य रूप से और भी किसानों के पास भी मिल जाएंगे आप कहीं बता देंगे आपको अच्छा नागौर के जाएंगे आपको बता देंगे

अनार में लेता हूँ कपास में लेता हूँ कपास अभी जैसे मेरे कपास है आज कहीं भी आस पास जाके देखो इससे बढ़िया कपास नहीं है जबकि अच्छा। इसमें यूरिया डीपिया कुछ डाला हुआ नहीं है फिर भी सबसे टॉप है अच्छा ये इसी खाद से बनी इसी है खासे। इसी खाद से तो इस खाद इस खाद में कितनी खाद है, मतलब इस खासे। इस सिस्टम से इस खेड़ी से और अपन मतलब कितनी खाद तैयार कर सकते हैं उसकी मात्रा क्या है मतलब मात्रा अपन क्या सामान्य बेड में, कितने में, या में, तो पन... से में जितना आता, अच्छा, आता हाँ, वैसे है तो ये गर, गर का होता है। हाँ खडा हाँ, कूड़ा हाँ, हाँ, देते हैं अच्छा पूरा बना देते वो भी पूरा को बना देते हैं ना जितनी चाहिए उतनी बना सकते हैं अच्छा दिक्कत नहीं ताकि जानवर केस में मरे नहीं मरे नहीं उसमें पानी डालते रहना गीला रखो अच्छा तो उसके लिए मतलब कोई विशेष खड्डे की या विशेष प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं। कचरा जितना बनता है घर के अंदर या छाया होनी चाहिए उसके अच्छा छाया होनी चाहिए और पत्तियां वगैरह वो यदि अपन डाले उसके अंदर तो भी आ, वो कचरा ही है, तो उसको ही है वो भी एक खाद का आ, रूप बन जाता है ना अच्छा तो सरकार द्वारा इसको प्राप्त करना चाहे मान लो इस खेड़ी की योजना को प्राप्त करना चाहिए उसकी क्या प्रक्रिया है अपना खर्च पर संपर्क करो और वो बेड बना के देगा आपको अच्छा उसको सब्सिडी देती है अपन को, तो अपन को पैसे मिलेंगे अच्छा। वो पहले पहले बनाओ, उसके बाद हैं, और अच्छा, पेस, ये बनाना पड़ेगा बनाना आपको बनाना इंटों पड़े। का सिस्टम कहाँ करना होगा अच्छा आप लोग यदि इसके लिए जानना चाहेंगे तो भी मैं इनके विवरण है वो आपको फ़ोन नंबर दिए हुए हैं नीचे जाकर के इनसे पता कर सकते हैं कैसे मिलेगा आसपास का को कोई किसान है या फिर आप जानते हैं तो इसके लिए भी अपन आ, कृषि विभाग के जितने अधिकारी उनसे भी संपर्क करके और आपको मैं निश्चित रूप से बताऊंगा जानकारी आप भी ये वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स करना आपको किस प्रकार के वीडियो और बनाने और आपको चाहिए या कौन सी जानकारी चाहिए यदि आपको चाहिए कि तो हम निश्चित रूप से देंगे और कोई विशेष बात इस खेड़ी से संबंधित आपको लगती है भाई किसानों को क्यों बनानी किस लिए बनानी या जो प्रगतिशील किसान है जिसके मन में कुछ करने की है और वो इस खेली का कितना उपयोग उसको लाभ कितना मिलने वाला होता है लाभ तो इस खात में जैसे अपने खेत में एक कच्ची खाद डाला कच्ची खाद डाले जैसे आज मेरे वहाँ कपास दिमाग लगती है दिमाग नीचे से खाने से चालू कर देती है अच्छा जैसे पौधा पौधे को इससे वो ये फायदा है कि ये वर्मी कम्पोस्ट बन जाता है इसको डालें क्योंकि जानवर जो कैस है वो खा के वर्मी बना दिया अच्छा। तो इसको दिमाग नहीं खा सकते तो जो बाजार में अपन खाद लाते हैं यानी रासायनिक उर्वरक लाते हैं हाँ। उसकी बजाय ये एक तो फायदा देने वाले होते हैं जहर नहीं है इसके अंदर प्राकृतिक है पूरी पूरी शुद्ध है लेकिन उसके यदि अपन रुपयों की तुलना करें करके मैंने अभी यह गह थे मेरे वो गेरा मन बिगा अच्छा जिसमें यूरिया डाला वो 21 माण अच्छा यूरिया डाला वो 21 माण प्रति बीघा हाँ और तेरह माण तेरह माण अब आप अंदाज़ लगाइए ये ये बिकता साढ़े चार दर और ये बिकता 2200 रूपए अब इस बात की ओर ध्यान दीजिए मित्रों गेहूं जो यूरिया से तैयार किए उसमें उनके बिके बाईस बिकते से अपन खरीदते हैं लेकिन यूरिया के। बिना यूरिया के जो अपन ने इस गोबर के से निर्मित जो खाद थी उससे उसको यदि इन गांवों को बेचा तो वो पैंतालीस रुपए प्रति क्विंटल तो उसके लिए बाजार फिर अलग से भाव देता है मंडी लगती है या किसान खुद खरीदता है तो क्या उसका? ऐसा होता है अपन को रजिस्टर कराना पड़ेगा जयपुर अच्छा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जयपुर और वो कैसे होता है क्या होता है उसकी जानकारी भी मैं हाँ। आपको आने वाले वीडियोस के अंदर जरूर उसके अलावा जैसे अपना आपको विश्वास है मेरे पे हाँ जैसे मैं अनाज जैविक है हम्म पर आपको विश्वास एक बार तो आप शंका होगी यार ये जैविक है कि नहीं है हां खूब शानदार ऊपर 6500 3000 में दो वो खाएगा तो 3000 का 2200 का फर्क रहेगा तू अपना पाएगा

वो अपने आप घर पहुंच जाते हैं तो अच्छा, है। अच्छा तो बहुत बड़ी जानकारी है मित्रों आ, यदि आप लोग भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं अलग हटकर के कुछ करना चाहते हैं और अपनी जो परंपरागत जो खेती थी उसे कुछ अलग करना मतलब हमने कई सारे अनार के बगीचे कैसे लगाए जैतून के बगीचे कैसे लगाए इसके बारे में जानेंगे ही और जान ही रहे लेकिन आप लोग यदि गेहूं की खेती भी करते हैं तो उसमें भी फायदा उठाइए और लोगों को रोग देने की बजाय क्योंकि रोग निश्चित रूप से यदि आप रासायनिक उर्वरक डालते हैं रासायनिक खाद डालते हैं तो उससे तो रोग ही देने वाले हो आप तो रोग देने की बजाय आप उनको निरोगी बनाइए और क्यों भाई एक सरकारी नौकरी करने वाला ही शुद्ध आहार खाएगा हम सामान्य रूप से सारे क्यों नहीं खा सकते अपने बच्चों को अपन जेर खिला रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानिए और समझिए इस बारे में अगले एपिसोड में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और हनुमान सिंह जी से ऐसे प्रगतिशील किसान जिनकी हमें खोज थी वो हमें इन पहले दूसरे एपिसोड के अंदर ही मिल गए नहीं तो होता क्या है मित्रों ये अपन केवल किताबों में पढ़ते हैं भाई इस प्रकार से यदि खेती करेंगे या जैविक कृषि करेंगे तो आपको इतना फायदा होने वाला है प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने फायदा उठाया उनसे यदि अपन चर्चा करते हैं उनसे कुछ अनुभव जानते हैं तो आपको भी विश्वास होता है आपको और अन्य किसी प्रकार की जानकारी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करना मुझे बताना और आपको व्यक्तिगत कोई बात पूछनी है तो भी मेरे नंबर है एट डबल जीरो थ्री वन डबल नाइन फोर जीरो टू पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं मेरे को बता सकते हैं और आपके आसपास भी इसी प्रकार के कोई अनुभवी किसान रहते हैं और उनका वीडियो यदि आपको लगता है भी शूट होकर के और पूरी दुनिया में छाना चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना मैं आपके पास पहुँचूंगा तो आप हनुमान सिंह जी इस यूट्यूब चैनल पर आपने समय दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी चाहे सब लि चाहे